नमस्कार साहब। नमस्कार साहब, क्या नाम साहब अपना? तारातंद मीणा। कौन सा गांव है ये? कोटापट्टी। और डिस्ट्रिक्ट? दौसा, राजस्थान। आपने जो कौन सा बीज लगाया है? चिकलेट कासनी। चिकलेट कासनी, तो फिर ये आपने कहाँ से प्राप्त किया था ये? दौसा से, खंडेलवाल खाद बीज भंडार। खंडेलवाल खाद बीज भंडार से। तो ये आपने साहब कब लगाया था ये? अक्टूबर के महीने में। अक्टूबर के महीने में लगाया था, और आज तारीख है अपना 17 अगस्त 2021, मतलब कि पिछली साल का लगाया हुआ आपका आज तक चला। कितने कटाई ले लिए? 15 से 20 कटाई आप इसका ले चुके हो। पशु कैसा खाते हैं? खूब खाते हैं। कितने दिन बाद इसका एक कटाया, कितने दिन बाद आता है ये कटाई? 20-22 दिन बाद में। कम से कम 20-22 दिन बाद आपका एक कटाया ले लेते हो। आप जो आमतौर पर कासनी लगाते थे, इस कासनी में क्या अंतर है? ये सड़ दिन से हो जाती है, फागुन के महीने में अतपरे चले जाते हैं। सड़ा फूटता है। अच्छा, सड़ा फूटता है, इसमें डंठल नहीं आता। नहीं आता। और आपके पशु कैसा खाते हैं इसको? खूब अच्छी तरह खाता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब के, आप अगली साल इसको कितना लगाना चाहोगे? जैसे कि पिछली साल की लगी हुई है, आज भी आपके यहाँ चल रही है। 2 पैकेट गई साल था, 2 पैकेट डैश ले लूंगा। इस साल भी 2 पैकेट। तो आपने ये बीज कहाँ देखा था, कहाँ पे पहले लगा हुआ था? पहले तो हमारे यहाँ कोटापट्टी मेरे चाचा जी के पास। अच्छा, चाचा जी के पास लगा हुआ था, उसको देख के फिर आपने ये बीज लगाया। लगाया। आज कोटापट्टी में कितना बीज लगा हुआ है कासनी का? कम से कम 10-15 लोगों के यहाँ ये कासनी का बीज लगा हुआ है। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि फोराजन कंपनी की कासनी जो गई साल लगाई थी वो आज भी चल रही है, और मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगा कि फोराजन कंपनी की कासनी लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। धन्यवाद। फोराजन चारा बीज, दूध की पैदावार बढ़ाए, पशुधन को स्वस्थ रखे। दुनिया बदल रही है, चारा बीज भी बदलो।